मर्क्यूरी वेपर लैम्प क्या होता है इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे उस टाइप का लैम्प जो वेपराइज मर्क्यूरी से मिलकर कंसिस्ट होता है एंड आर्क डिस्चार्जिंग प्रोसेस के थ्रू विजिबल लाइट इमिट करता है उसको मर्क्यूरी वेपर लैम्प बोलते हैं इस टाइप के लैम्प में यूज होने वाला मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में रहता है एट रूम टेम्परेचर जो कि विजिबल लाइट प्रोड्यूस करने से पहले आयोनाइज होता है लो प्रेशर पर इसका वेवलेंथ रेंज वन एटी फोर एन एम एंड टू फिफ्टी थ्री एन एम के बीच होता है मर्क्यूरी वेपर लैम्प एक टाइप का गैस डिस्चार्जिंग लैम्प होता है जिसका यूज़ लार्ज एरिया को इल्यूमिनेट करने के लिए किया जाता है इस लेक्चर में मर्क्यूरी वेपर लैम्प का कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल एंड लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे टॉपिक काफ़ी इंफॉर्मेटिव है सो वॉच द वीडियो कम्प्लीटली मर्क्यूरी वेपर लैम्प इनर ग्लास ट्यूब से मिलकर कंसिस्ट होता है इनर ट्यूब को बनाने के लिए क्वार्ज मटेरियल का यूज़ करते हैं एंड इसके आउटर ग्लास इन्वेलप को डिज़ाइन करने के लिए ब्रोसलीकेट ग्लास का यूज करते हैं क्वार्ज एंड ब्रोसलीकेट ग्लास दोनों एक टाइप का हीट इंसुलेटिंग मटेरियल होता है आर के कारण जब लैम्प का टेम्परेचर राइज होगा उस टाइम ग्लास ट्यूब को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करने के लिए इस टाइप के ग्लास मटेरियल्स का हम लोग यूज़ करते हैं जो इनर क्वाड्स ट्यूब है वो 1300 हंड्रेड तक टेम्परेचर को सस्टेन कर सकता है जबकि आउटर इन्वेलप ग्लास जो है वो 700 हंड्रेड तक टेम्परेचर को सस्टेन कर सकता है इनर ट्यूब एंड आउटर इनवेलप के बीच का जो स्पेस है वहाँ पे नाइट्रोजन गैस फिल्ड रहता है जिसका मेन फंक्शन होता है लैम्प में थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करना एंड लैंप के अंदर प्रेजेंट मेटल पार्ट्स को ऑक्सीडाइज होने से प्रोटेक्ट करना जबकि इनर क्वाड्स ट्यूब के अंदर मर्क्यूरी एंड आर्गन गैस फिल्ड रहता है इनर ट्यूब में दो मेटल इलेक्ट्रोड प्लेस रहता है मेन इलेक्ट्रोड एंड स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड जिसके साथ टंगस्टन वायर अटैच रहता है इलेक्ट्रोड्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स इमिटिंग मटेरियल से कोटिंग किया जाता है लाइक थोरियम कैल्शियम बेरियम कार्बोनेट एक्सेट्रा ऐसा करने से दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच इलेक्ट्रिक आर्क ईजिली डेवलप होता है जो इलेक्ट्रोड्स है वो मोलिबिडम फॉइल लीड से सपोर्टेड रहता है स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड के साथ एक रेजिस्टर कनेक्ट रहता है जिसके हेल्प से स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड के रोज़ फ्लो करने वाली करंट को कंट्रोल करते हैं इसे सर्किट में चौक एंड कैपेसिटर भी कनेक्ट रहता है जहाँ पर कैपेसिटर पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट में हेल्प करता है एंड चौक एज अ ब्लास्ट एक्ट होता है जो चौक है वो सप्लाई वेरिएशन को भी मेंटेन करता है ताकि प्रोड्यूस होने वाली विजिबल लाइट यूनिफॉर्म इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिस्ट्रीब्यूट कर सके जब मर्क्यूरी वाइपर लैम्प को सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो स्टार्टिंग एंड मेन इलेक्ट्रोड के क्रॉस करंट फ्लो करती है यहाँ पर मेन इलेक्ट्रोड एंड स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड के बीच मिनिमम एयर गैप होता है सो स्मॉल एयर गैप के कारण उस पोर्सन का वोल्टेज ग्रेडियंट हायर हो जाता है एंड दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच स्मॉल आर्क डिस्चार्ज होता है इनिशियली मेन एंड स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड के बीच जो आर्क फॉर्म कराते हैं उसको स्टार्टिंग रेजिस्टर के हेल्प से एक लिमिट में रखते हैं एंड इस स्मॉल आर्क के कारण ट्यूब के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होती है एंड ड्यू टू हाई टेम्परेचर इन साइड द इनर ट्यूब उसमें प्रेजेंट मर्क्यूरी वेपर एंड आर्गन गैस आयोनाइज होने लगता है एज ए रिजल्ट दोनों मेन इलेक्ट्रोड्स के बीच इलेक्ट्रिक आर्क का फॉर्मेशन होता है जिसको आर्क डिस्चार्जिंग बोलते हैं मेन आर्क फॉर्मेशन के बाद स्मॉल आर्क को स्टॉप करा देते हैं बाय इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ स्टार्टिंग रेजिस्टर एंड फाइव टू सेवन मिनट बाद जब मर्क्यूरी वेपर कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है तो आर्क के लॉन्ग प्रजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स फोटोन्स के फॉर्म में एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विजिबल लाइट इमिट करता है इस तरह से मर्क्यूरी वेपर लैम्प जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है सिंस प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग ऑलरेडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स को देख चुके हैं सो so उसके बेसिस पर उनके फीचर्स को आपस में कंपेयर करेंगे जिससे एक कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होगा जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी ईजी होगा मैक्यूरी पेपर लैम्प स्टार्ट होने में फाइव टू एट मिनट्स का टाइम लेता है एंड इसको हम लोग क्विकली टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ नहीं कर सकते हैं जबकि इन कैंडेसेंट लैम्प जो रहता है वो इंस्टेंटली स्टार्ट हो सकता है एंड क्विकली टर्न ऑफ हो सकता है पावर सप्लाई जब ऑफ होगा तो वो इजिली टर्न ऑफ हो जाएगा फ्लोरेसेंट लैम्प जो रहता है वो स्टार्ट होने में वन सेकेंड और लिटिल मोर सेकेंड से लेता है जबकि सोडियम वेपर लैम्प का बात करें तो वहाँ पर भी स्टार्टिंग टाइम फाइव टू एट मिनट्स होता है अगर लाइट इमिटिंग कलर की बात करें तो इन कैंडेसेंट लैम्प जो रहता है वो नियर टू द नेचुरल कलर प्रोड्यूस करता है फ्लोरेसेंट लैम्प जो आता है उसमें कलर प्रोडक्शन जो है वो फोस्फोर कोटिंग के कारण भैरी करता है सोडियम वेपर लैम्प लाइट एलोइस कलर प्रोड्यूस करता है इस टाइप का लैम्प कलर डिस्टोशन से अफेक्टेड होता है अल्सो मर्क्यूरी वेपर लैम्प सफर फ्रॉम कलर डिस्टोशन इंस्टॉलेशन कॉस्ट को अगर हम लोग देखें तो इनकेसेंट लैंप में मिनिमम अमाउंट ऑफ इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगता है फ्लोरेसेंट लैम्प में मैक्सिमम इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगता है ड्यू टू अ स्टार्टर सर्किट एंड चौक सोडियम वेपर लैम्प का भी इंस्टॉलेशन कॉस्ट हाइयर होता है जबकि इनकेडसेंट लैंप के कंपेरिजन में सोडियम वेपर लैम्प का इंस्टॉलेशन कॉस्ट कम रहता है मर्क्यूरी वेपर लैम्प का इंस्टॉलेशन कॉस्ट हाई होता है बट लेस दैन द फ्लोरेसेंट लैम्प्स ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करें तो इनकेडलसेंट लैम्प में मैक्सिमम ऑपरेटिंग कोस्ट लगता है क्योंकि वहाँ पे पावर लॉस ज़्यादा होता है फिलामेंट के क्रॉस फ्लोरेसेंट लैम्प का ऑपरेटिंग कॉस्ट मिनिमम होता है सोडियम वेपर लैम्प का ऑपरेटिंग कोस्ट कम होता है कम्पेयर टू द इनकैंडसेंट लैंप्स एंड मर्क्यूरी वेपर लैम्प का ऑपरेटिंग कोस्ट जो है वो इनकैसेंट लैम्प से कम होता है बट मोर देन द देंट लैम्प्स मर्क्यूरी वेपर लैम्प हैज मैनी एडवांटेजेस इस टाइप का लैम्प एनर्जी एफिसियंट होता है दैट इज अबाउट थर्टी फाइव टू सिक्सटी फाइव लूमेन पर वाट इसका आउटपुट लाइट क्लियरली प्रोड्यूस होता है इस टाइप का लैम्प हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रोवाइड करता है मर्क्यूरी वेपर लैम्प डिफरेंट कलर्स एंड रेटिंग्स में अवेलेबल होता है इसका मेंटेनेंस ऑफ ल्यूमेन पुअर होता है इस टाइप का लैम्प स्टार्ट होने में फाइव टू सेवन मिनट्स का टाइम लेता है फॉर प्रोवाइडिंग कंप्लीट आउटपुट इस टाइप के लैम्प का कूलिंग टाइम अबाउट फाइव टू सिक्स मिनट्स का होता है मक्यूरी पेपर लैम्प वोल्टेज सेंसिटिव होता है इस टाइप के लैम्प का यूज़ इंडस्ट्रियल एरियाज में किया जाता है इसका यूज एज स्ट्रीट लाइट्स कर सकते हैं इसका यूज एज सिक्योरिटी पर्पज़ किया जाता है विच गैस इज यूज इन द मर्यूरी वेपर लैम्प इस टाइप के लैम्प में मर्क्यूरी वेपर एंड 25 टू 50 टोर ऑफ आर्गन गैस प्रेजेंट रहता है इस टाइप के लैम्प में ब्लास्ट एंड इग्नाइटर का क्या फंक्शन होता है सो ब्लास्ट एंड इग्नाइटर का मेन पर्पज होता है वोल्टेज एंड करेंट को कंट्रोल करना तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप ईजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें